राजधानी जयपुर में गैंगस्टर ने पुलिस और आमजन को खुली चुनौती दी है। गैंगस्टर ने यह चुनौती पिंक सिटी के ज्वार सर्किल थाना इलाके में जी क्लब में 19 राउंड से अधिक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। फायरिंग कर गुलाबी नगरी को दहशत में लाने वाले बदमाश का 36 घंटों के बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। फायरिंग करने वाले बदमाश कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए गैंग बताया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर फायरिंग करने की जिम्मेदारी ले ली। यही नहीं, उन्होंने वारदात स्थल पर एक पर्ची फेंककर खुला चैलेंज देते हुए कहा कि याद रहे सबका नंबर आएगा। डीसीपी इष्ट राजीव पचार ने बताया कि फायरिंग या वारदात शनिवार देर रात करीब 1 बजे के बाद हुई थी। एक बाइक पर सवार होकर 3 बदमाशों ने जी क्लब के बाहर गेट पर 19 राउंड फायरिंग की। इसके बाद बदमाश कागज पर लिखी धमकी को क्लब के गेट पर फेंक कर फरार हो गए। बदमाशों के कुछ फुटेज पुलिस को मिले हैं। फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के ऋतिक बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फायरिंग की जिम्मेदारी ली, उसकी तस्दीक भी की जा रही है। डीसीपी ने बताया कि बदमाशों के संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम इष्ट के साथ कमिश्नर स्पेशल टीम को भी लगाया गया है। क्लब संचालकों के साथ बदमाशों की कोई रंजिश चल रही है या नहीं, इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। वारदात के बाद पुलिस ने ए श्रेणी की नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इस संबंध में जी क्लब के मालिक अक्षय गुरनानी ने केस दर्ज करवाया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है। फायरिंग कर दहशत फैलाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के ऋतिक बॉक्सर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली। बदमाश ऋतिक बॉक्सर ने पोस्ट करते हुए लिखा कि राम राम जयपुर या जी क्लब जयपुर पर जो फायरिंग हुई वो मैंने ऋतिक बॉक्सर अनमोल बिश्नोई ने करवाई है। याद रहे सबका नंबर आएगा। जय बलकारी LB गैंग। बदमाशों की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने के बाद जयपुर पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। बदमाश अब जयपुर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। वो उनके सामने बेबस नजर आ रही है। उल्लेखनीय है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के गुर्गे लगातार जयपुर को चुनौती देते आ रहे हैं। यहाँ विभिन्न व्यापारियों से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगकर उन्हें धमकाया जा रहा है। गैंगस्टर्स ने अब खुले में फायरिंग कर दहशत फैलाना भी शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।